ट्रिपल फुकर 2020 में जो है चार चार साल लेते रहेंगे चार साल 2022 नहीं नहीं चार साल तो लेंगे लेकिन अगर आपको ये पसंद आई जी बिल्कुल तो अगर आप बहुत ही पसंद आई ट्रेलर देखा सुनिए क्या बोल रहे हैं वो ट्रेलर बहुत पसंद है जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की थी हम चाहते हैं कि हम 2022 में ऐसी भविष्यवाणी करें आप करिए आप बताइए आपको हम कैसे रोक सकते हैं भविष्यवाणी करने से आप करिए तो हम कोशिश करेंगे मैंने सिर देश चूचा करता है आप मुझसे पूछेगा जरूर आप मिलेंगे पर हम ट्राई करेंगे जरूर अगर आपको ये पसंद आएगी तो वी विल ट्राई एंड कीप गिविंग यू मोर तो ऐसा कोई सपना जो आपने देखा क्योंकि हमने ढेरों सारे सपने देखे आर्टिस्ट के फिलहाल तो मैं आजकल सिर्फ अपना BGM और VFX खत्म होने का सपना देख रहा हूँ मेरा अभी तो सिर्फ यही जगह नींद लगी ये थोड़ा इधर कर लूँ ये थोड़ा उधर मैं तो सपने रोज देखता हूँ अलग अलग सपने देखता हूँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बारे में देखना है वो फिल्म वर्ल्ड है एक कहानी है जिसमें आई थिंक जो स्क्रिप्ट के अंदर जो फिल्म के अंदर जो हनी और चूचा करते हैं लेकिन इसमें फिर अलग है अब ये सपना नहीं देखता अब ये कुछ और देखता है क्योंकि फुकरे की अगर मैं बात करूँ तो हमने उसकी सक्सेस पार्टी भी अटेंड की थी और बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी तो अब फुकरे रिटर्न पर मानते हैं आप लोग कि कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर होगा क्योंकि फुकरे अप्रिशिएट की गई तो आप लोग एज एन प्रोड्यूसर एज एन डायरेक्टर आप लोग मानते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर होगा क्योंकि प्रेशर लोग फिल्म बहुत ही अच्छा कर चुकी है फुकरे प्रेशर नहीं होता है जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये जो किरदार है कैरेक्टर्स हैं जिन लोगों को पसंद आए एंड यू नो दे वांट मोर ऑफ इट तो आई थिंक यू हैव टू डिलीवर टू दैट एक्सपेक्टेशन कि जो हंगर थी कि यार कैन वी गेट मोर ऑफ दिस पीपल सो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग द फिल्म स्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी और मैंने फिल्म देखने के बाद मेरे को कहा कि आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड कि यार दिस वॉज वर्दी ऑफ बींग मेड इन टू अ सीक्वल सो आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड पर्सनली आई डोंट नो अभी आपको ट्रेलर देखे आपको ट्रेलर पसंद आया तो आई थिंक दैट्स गुड होपफुली आपको फिल्म भी पसंद आएगी और अगर फिल्म भी पसंद आ गई और आपके जैसे बाकी लोगों को तो वील हैव वन मोर सक्सेस पार्टी जिसमें आप फिर आके इंजॉय कर सकते हैं सो लेट्स होप सो नहीं प्रेशर नहीं है प्रेशर नहीं है लाइक जब हमने स्टार्ट ही किया था वी न्यू दैट वी हैड दिस वन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है मतलब उसको फोर्सफुली चीज़ों से नहीं भरना है एक अच्छी कहानी हाथ में होगी तभी आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हमने मतलब इजीली लिया उसको टाइम लगा के काम किया एंड एज ही सेड यू ऑल आर वेरी हैप्पी विद व्हाट वी गॉट एज द फाइनल प्रोडक्ट तो आई एम श्योर मतलब लोगों को पसंद आएगा मज़ा आएगा ढेर सारे आर्टिस्ट हैं फिल्में ओवरऑल करना चाहिए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म को शूट का इस क्रिएट करना सेम एक्चुअली मतलब लोग देख के भी यही बोलते हैं कि तुमने दोनों एक साथ शूट की थी क्या क्योंकि वी वर्कड हमने बहुत वी मेड श्योर दैट ठीक है हमें बनाने में चार साल लगे बट कहानी एक साल फॉरवर्ड होती है तो वी मेड श्योर दैट कि बहुत ज़्यादा जंप ना हो किसी के उसमें और एक सेटिंग और एक दुनिया वो सेम रहे क्योंकि वही दुनिया लोगों को बहुत पसंद आई थी उस दुनिया में क्या नया हो रहा है दैट इज़ वॉट द न्यू फिल्म इज़ ऑल अबाउट तो बाकी लास्ट टाइम जैसे था कि सब लोग बहुत फ्रेश थे मेरी सेकंड फिल्म थी वो वाली बहुत लोगों की फर्स्ट फिल्म थी तो इस बार तो वो एक जो दोस्ती बनी थी वो मतलब इस टाइम वो एक ऑटोमेटिक में था कि हाँ आप आए हो और आप ऑलरेडी मतलब यू नो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको फोर्सफुली बॉन्ड करना है या ये सो देर वॉज दैट वन ईज जो था ऑफकोर्स फुल ऑन मज़ा था मतलब वाली फिल्म में तो सेट पर तो मस्ती चलेगी क्योंकि ढेर सारे आर्टिस्ट हैं तो अगर आप हमें कुछ बताना चाहें क्योंकि एक तो हमें दिख रहा है ऋचा जी जो है नाटू के किरदार में तो आप थोड़ा अगर क्योंकि आर्टिस्ट से भी हम बाद में बातें करेंगे आप हमें थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन दिखाने का नहीं मतलब सी कैरेक्टर्स हाँ ये नागिन है लेकिन वो आपको बता नहीं सकते लेकिन वो नागिन के बाद शेर भी बन जाती है ओह ऐसा अभी मैं आपको और नहीं बता सकता आपको उसके लिए 15 दिसंबर को आना पड़ेगा कैरेक्टर्स तो वही है ना कैरेक्टर्स मतलब ये लाली है ये जफर है हनी है चूचा है सब कुछ वही है कैरेक्टर सेम सिर्फ भोली का रूप बदलते जाते हैं नागिन शेरनी उसके बाद फिर तो कभी है फिर
15th ऑफ दिसंबर आपको आ रही है ये फिल्म, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या आप ये डेट याद रखिएगा, आप मस्ट है एकदम देखना, एंड आपको जितनी फुकरे पसंद आई थी उतना ही आपको मज़ा आने वाला है विद, एंड यू मस्ट टेक किड्स एंड द एंटायर फैमिली अलोंग टुवर्ड्स दिस, इट्स गोइंग टू बी दिस दैट वंडरफुल एक्सपीरियंस। फुकरे रिटर्न्स 15th दिसंबर। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी मेरे को कुछ और बोल रहे कुछ व्यूअर्स को? नहीं नहीं, आई एम सेइंग एक अच्छी फिल्म बनाई है एंड आपको पार्ट वन पसंद आई थी, आई एम श्योर यू लाइक द रिटर्न, सो कम एंड वॉच इट, हैव फन, इजी फिल्म है, हॉलीडे पीरियड है, सैंटा क्लॉस भी आएंगे, फुकरे रिटर्न्स भी आएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियोस कनक मीक नचनट लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।